नारायण नारायण, मैं हूं कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूं आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियां जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। सृष्टि के आदि में पितामह ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वयंभू मनु और शत्रुपा की सृष्टि की। आगे चलकर इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। उनके सदाचार, शील तथा पवित्र धर्माचरण के विषय में आज भी श्रुतियों में वर्णन मिलता है। हम सभी मानव उन्हीं मनु एवं शत्रुपा की संतान हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में हम सुनते हैं उन्हीं मनु और शत्रुपा की कहानी। शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद था, जिनके यहाँ ध्रुव जैसे परम भागवत पुत्र का जन्म हुआ। महाराज मनु के दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत तथा पुत्री का नाम देवहूति था। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनके यहाँ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया तथा अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश दिया। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपपति पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग धर्माचरण में संलग्न थे। इसी तरह प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु का चौथापन आ गया, तब उन्होंने संपूर्ण राज्यभार अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में भगवान का भजन करने के लिए अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य जाने का निर्णय लिया। महाराज मनु के नैमिषारण्य पहुंचने पर वहां के मुनियों ने बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया तथा वहां के तीर्थों में उन्हें सादर स्नान करवाया। उसके बाद मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के दर्शन के लिए कठोर तप करने लगे। कुछ दिनों तक उन्होंने केवल जल पीकर तपस्या की। उनके मन में यह दृढ़ इच्छा थी कि नेति नेति के रूप में वे जिन परमात्मा के गुणों का गान करते हैं तथा जिनके एक अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा होते हैं, हम उन परम प्रभु का दर्शन करें। इस प्रकार महाराज मनु और शत्रुपा को जल पीकर तपस्या करते हुए 6,000 वर्ष बीत गए। फिर उन्होंने 7,000 वर्षों तक केवल वायु पीकर तपस्या की। 10,000 वर्ष तक तो वे दोनों केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। जब भगवान ने समझ लिया कि राजा रानी मन कर्म और वचन से मेरे अनन्य भक्त हैं, तब आकाश से वर मांगो ऐसी आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी मानो मनु शत्रुपा के शरीर में प्राणों का संचार करने वाली थी। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर हृष्ट पुष्ट हो गए। मनु ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपके मुनि मनहारी स्वरूप को देखना चाहता हूँ। अब मुनि मनहारी स्वरूप मतलब वह रूप जो मुनियों का मन हर लेता है। कृपा करके मुझे यही वर दें। मनु के ऐसा कहते ही भगवान आदिशक्ति सीता के साथ मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने मनु से कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांग लो। मैं तुम दोनों पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। मनु ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। हे कृपानिधि, मुझे यही वर दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ऐसा ही हो, किंतु मैं अपने समान पुत्र कहाँ खोजूं? अब आप दोनों मेरे आदेश से कुछ समय तक इंद्र की अमरावती में जाकर निवास करें। त्रेता में जब आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे, तब मैं अपने अंशों सहित 4 रूपों में आपके यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।
हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में जब राजा दशरथ राज्य कर रहे थे तो भगवान ने रामचंद्र जी के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में जन्मे थे और भगवान के शंख और चक्र भरत जी और शत्रुघ्न जी के रूप में अवतरित हुए थे। कहानी से एक और बात मालूम पड़ती है, यदि हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ स्नान करने का महत्व होता है। तीर्थ स्थान पर यदि हम स्नान आदि कर पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें अधिक पुण्य प्राप्त होता है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।